दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मार्केट टुडे। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे आईपीओ के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, साल 2020-21 हम सब के लिए बहुत ही मुश्किल भरा रहा है। लॉकडाउन के बाद भी कई कंपनियां बाज़ार में अपना आईपीओ लेकर आईं। इनमें से कुछ कंपनियों ने निवेशकों को अच्छा खासा मुनाफा दिया, तो वहीं कुछ कंपनियों ने निवेशकों को निराश भी किया है। कई कंपनियों ने तो इन्वेस्टरों को लिस्टिंग वाले दिन ही अच्छा खासा मुनाफा दिया, तो वहीं कुछ कंपनियों ने नुकसान भी कराया है। साल 2020 की कुछ बड़ी कंपनियां जैसे कि SBI कार्ड, एंजल ब्रोकिंग, रोट मोबाइल, बर्गर किंग, ग्लैंड फार्मा, रोसारी बायोटेक जैसी बड़ी कंपनियों के नाम इसमें शामिल रहे हैं। साल 2021 भी आईपीओ मार्केट के लिहाज से काफ़ी अच्छा रहा है। हाल ही में लॉन्च हुए पेटीएम के आईपीओ ने निवेशकों को काफ़ी निराश किया है। जैसा कि माना जा रहा था कि पेटीएम का आईपीओ अभी तक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा, इससे कंपनी 18,300 करोड़ रुपए जुटाने के प्रयास में थी। इसका प्राइस बैंड 2080 से 2150 तय किया गया। लिस्टिंग वाले दिन ये 1950 में लिस्ट हुआ, मतलब इसमें 9.30% की भारी गिरावट देखी गई। आने वाले कुछ महीनों में LIC कंपनी भी अपना आईपीओ लेकर आने वाली है। तो अगर आप भी आईपीओ में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको कुछ बातों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि आईपीओ क्या होता है, आईपीओ लाने के कारण के बारे में, आईपीओ में इन्वेस्टर की कैटेगरी के बारे में, आईपीओ में अलॉटमेंट के बारे में, आईपीओ में कैसे इन्वेस्टमेंट करें, और साथ ही जानेंगे कि सेबी का इसमें क्या महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं आईपीओ क्या होता है। आईपीओ को इंग्लिश में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हिंदी में सार्वजनिक प्रस्ताव कहा जाता है। मतलब जब कोई कंपनी अपना स्टॉक या शेयर पब्लिक को पहली बार ऑफर करती है, तो इसे आईपीओ कहा जाता है। इस प्रक्रिया में कंपनी अपने शेयर आम लोगों को ऑफर करती है और यह प्राइमरी मार्केट के अंतर्गत होता है। साधारण भाषा में कहें तो आईपीओ के जरिए कंपनियां फंड इकट्ठा करती हैं और उस फंड का यूज़ कंपनी के विकास एवं तरक्की में यूज़ किया जाता है। बदले में आईपीओ खरीदने वाले लोगों को कंपनी में हिस्सेदारी मिल जाती है। मतलब जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, तो आप उस कंपनी के खरीदे गए हिस्से के मालिक होते हैं। आईपीओ लिमिटेड कंपनी द्वारा ही जारी किया जाता है, जिससे वह स्टॉक एक्सचेंज में NSE या BSE में लिस्ट कर सके। एक कंपनी अपना आईपीओ एक से ज़्यादा बार भी ला सकती है। आमतौर पर कंपनियां कई कारणों से अपना आईपीओ लाती हैं। आइए जानते हैं इन कारणों के बारे में। अब बात करते हैं आईपीओ लाने के कारण के बारे में। कंपनियां कई कारणों से अपना आईपीओ ला सकती हैं, जैसे कि कंपनी के विस्तार के लिए। मान लीजिए एक कंपनी की ग्रोथ अच्छी खासी चल रही है, अब कंपनी को अलग अलग शहर में अपनी फैक्ट्री खोलनी है, तो उसके लिए उसे क्या होनी चाहिए, फ़ंड की ज़रूरत होगी। और ये फ़ंड बेसिकली आएगा कहाँ से, अगर वह बैंक जाता है और बैंक से कर्ज लेता है, तो बैंक उसे एक टाइम देता है, उस टाइम के अंदर ही उसे ब्याज सहित पूरा पैसा वापस करना होता है। वही काम आता है आईपीओ। अगर आईपीओ के जरिए कंपनी फ़ंड रेज करती है, तो उसे किसी प्रकार का ब्याज नहीं देना पड़ता और ना ही फ़ंड वापस करना होता है। कर्ज में डूबी हुई कंपनियां भी अपना आईपीओ ला सकती हैं और नए प्रोडक्ट और सर्विस को लॉन्च करने के लिए भी कंपनियां अपना आईपीओ ला सकती हैं। अब बात करते हैं आईपीओ में इन्वेस्टर की कैटेगरी के बारे में और इन्वेस्टरों का कितने परसेंट का कोटा रिजर्व होता है उसके बारे में। तो आईपीओ में तीन तरह के इन्वेस्टर की कैटेगरी होती है। तो उनमें से पहला है QIB इन्वेस्टर, मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। यह एक प्रकार की ऐसी श्रेणी होती है जिसमें बड़े म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, कमर्शियल बैंक, इंश्योरेंस फंड्स जैसे बड़े संस्थापक निवेशक इसमें शामिल होते हैं। पूरे आईपीओ का लगभग 50% का शेयर इनके लिए रिजर्व होता है। अब बात करते हैं NII कैटेगरी के बारे में, मतलब नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के बारे में। आईपीओ के अंदर NII इन्वेस्टर ऐसे रिटेल इन्वेस्टर को कहा जाता है जो आईपीओ के अंदर 2 लाख रुपए से ज़्यादा के शेयर के लिए अप्लाई करते हैं। यानी इस कैटेगरी के अंदर शुरुआती निवेश ही 2 लाख रुपए से ज़्यादा का होता है। पूरे आईपीओ का लगभग 15% का कोटा इनके लिए रिजर्व होता है। अब बात करते हैं RII कैटेगरी के बारे में।
रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर। किसी भी आईपीओ में रिटेल इन्वेस्टर ऐसे निवेशकों को कहा जाता है जो आईपीओ में 2 लाख रुपए से कम का निवेश करते हैं। इस कैटेगरी में आम लोग जैसे छोटे इन्वेस्टर शामिल होते हैं। पूरे आईपीओ का लगभग 35% का कोटा इनके लिए रिजर्व होता है। अब बात करते हैं आईपीओ में कैसे इन्वेस्टमेंट करें। आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास एक बैंक अकाउंट और एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। कंपनी अपने आईपीओ को इन्वेस्टर के लिए 3 से 10 दिनों के लिए ओपन करती है। कई कंपनियां 3 से ज़्यादा दिनों के लिए अपना आईपीओ ओपन रख सकती हैं। तो आप तय समय सीमा के अंदर अपने बैंक अकाउंट से या फिर कंपनी की साइट में जाकर या फिर अपने डीमैट अकाउंट से आईपीओ खरीद सकते हैं। UPI के माध्यम से भी आप आईपीओ को बाई कर सकते हैं। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, तो वहां पे जाके अपना डीमैट अकाउंट ऑनलाइन आप अपना खुलवा सकते हैं। अब बात करते हैं आईपीओ में अलॉटमेंट के बारे में। जब आईपीओ की ओपनिंग क्लोज हो जाती है तो कंपनी आईपीओ का अलॉटमेंट जारी करती है। इस प्रोसेस में कंपनी सभी इन्वेस्टरों को आईपीओ अलॉटमेंट करती है। इस प्रक्रिया में आवेदन की राशि को तब तक ब्लॉक करके रखा जाता है जब तक कि शेयर के आवंटन को अंतिम रूप नहीं दिया जाता। अगर आपका आवेदन खारिज हो जाता है, मतलब अगर आपको आईपीओ नहीं मिलता है, तो बैंक की ओर से उस पैसे को वापस कर दिया जाता है। बाद में शेयर स्टॉक एक्सचेंज NSE या BSE में लिस्ट हो जाते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के बाद शेयर सेकेंडरी मार्केट में खरीदे एवं बेचे जाते हैं। अब बात करते हैं सेबी के बारे में। सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आईपीओ लाने वाली कंपनी को सेबी के सभी नियमों का पालन करना होता है। उसे सेबी को आईपीओ लाने के कारणों से लेकर हर छोटी बड़ी बात बतानी होती है। कंपनी एक रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट सेबी को देती है। यह रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट वह डॉक्यूमेंट होता है जिससे यह पता चलता है कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के किस तरह के अवसर हो सकते हैं और इसमें किस तरह के जोखिम हो सकते हैं। आप सेबी की वेबसाइट पर जाकर इस रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट की जानकारी ले सकते हैं। इस रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं, जैसे कि बिजनेस डिटेल, कैपिटल स्ट्रक्चर, रिस्क फैक्टर, रिस्क स्ट्रेटजी, प्रमोटर्स एवं मैनेजमेंट के बारे में इस रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट में जानकारी दी जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, आईपीओ भी एक रिस्क भरा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, तो कंपनी की संपूर्ण जानकारी जुटाने के बाद ही आप किसी भी आईपीओ में निवेश करें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें।